नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सिठोरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए चलते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है मखाना और काजू ले लिया है बारीक कटा हुआ, किशमिश बारीक कटे हुए, बादाम तीनों एक कटोरी है। फिर हमें ले लेना है आटा, गेहूं का आटा है लगभग 500 ग्राम। 1 किलो गुड़ ले लेना है, देसी गुड़ है। और फिर हमें ले लेना है 2 गोला नारियल, उसको बारीक काट लेना है। 250 ग्राम ले लेंगे गोंद, 1 किलो ले लेंगे घी। फिर हम ले लेंगे 1/2 किलो अलसी, या हम तीसी भी कहते हैं इसे। और ले लेना है हमें 2 से 3 चम्मच हल्दी। ये हो गई सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे। तो सबसे पहले हमें अलसी को भून लेना है, क्योंकि बिना अलसी को भुने इसे हम ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से, आप एक अलसी को दबा कर देख लोगे तो ये फूट जाएगा, तो मतलब ये भुन चुका है। तो इसे ठंडा होने देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हमें ऐड कर लेना है आटा, फिर इसे हमें भून लेना है। भूनते वक्त इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी, और इसको हमें इतना भुनना है कि जो आटा है हमारा वो गोल्डन कलर हो जाए हल्का सा, इस तरीके से। अब इसे निकाल ले और ठंडा होने दे। फिर इसी कढ़ाई में हमें ले लेना है पोस्ता का दाना, ये हमारा 4 से 5 चम्मच है, इसे भी भून लेना है। भूनने के बाद इसे हल्का सा गोल्डन हो गया, तो इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर इसमें हमें ऐड कर लेना है, लगभग मैंने 250 ग्राम ऐड कर लिया है देसी घी, फिर इसे पिघलने देंगे। तो घी पिघल जाने के बाद इसमें हमें ऐड कर लेना है अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट, जो आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ऐड कर लिया है बादाम, जो कि मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इसको हम भून लेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। तो देख सकते हैं हमारा जो बादाम है वो भुन चुका है, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। फिर उसी में हमें ऐड कर लेना है मखाना। मखाना हम 2 बार में भुनेंगे, क्योंकि हमारा मखाना थोड़ा ज़्यादा है इस वजह से। एक बार थोड़ा सा भून ले, फिर उसे निकाल ले। मखाना को चेक कैसे करना है कि आपको भुन चुका है, वो एक मखाना लेकर के आप फोड़ने की कोशिश करोगे तो वो एकदम अच्छे से फूट जाता है, बस वो हो गया है। फिर से हमें निकाल लेना है मखाने को भी, इसी तरीके से मखाने को भून लेना है। दोबारा हम भून ले रहे हैं, तो एक ही बार में हम सारे मखाने को नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से भून नहीं पाता है। तो इसे हम 2 बार भून रहे हैं, एक बार थोड़ा सा मखाना, दूसरी बार थोड़ा सा और, इस तरीके से। तो देख सकते हैं मखाना हमारा भुन चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। फिर उसी घी में हमें ऐड कर लेना है गोंद। गोंद भी हम एक ही बार में नहीं डाल रहे हैं, हम 2-2 बार करके डाल रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ये छोटा छोटा रहता है, लेकिन जब वो घी में तलने लगता है ना, तो फिर ये जो गोंद का एक्चुअल साइज़ होता है वो उससे बड़ा हो जाता है। देख सकते हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। इस वजह से अगर गोंद आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो एक ही बार में ऐड मत करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, भूनते जाइए इस तरीके से। तो देख सकते हैं गोंद भी हमारा हो चुका है, सारे गोंद अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरीके से बचे हुए गोंद को भी भून लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है हल्दी। तो जो घी है उसी में हम लोगों ने हल्दी ऐड कर लिया है इस तरीके से। तो हल्दी भी हमारा भून चुका है, सिर्फ 2 मिनट में ही हल्दी अच्छी तरीके से भून जाता है। फिर इसे हम निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हमें क्या करना है, देसी घी ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। हमें कढ़ाई को चेंज बार बार आपको धुलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है इसमें, इस वजह से। फिर इस देसी घी के अंदर हमें ऐड कर लेना है गुड़।
तो गुड़ मैंने 1 किलो लिया है, इसमें ऐड कर लिया। इसमें हमें गुड़ को क्या करना है ना, तोड़ करके ऐड करना है, नहीं तो बहुत जल्दी वो नहीं पिघलता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो तोड़ करके ऐड किया है और फिर स्लो फ्लेम पे ही उसे हम गुड़ को पिघलने देंगे। ऐसे हमें अच्छी तरीके से पिघलाना, देख सकते हैं पिघल चुका है ये। अब इसे हमें क्या करना है, रख देना है। और जो हम लोगों ने गोंद लिया था उसे हमें ग्राइंड कर लेना है एकदम अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो ये हमारा आटा है, इसके अंदर हम लोगों ने हल्दी ऐड कर दी है, हल्दी वाला जो बनाया था। फिर इसमें हमें ऐड करना है अलसी, अलसी का जो पाउडर हम लोगों ने तैयार किया है। फिर इसमें हमें ऐड कर लेना है बारीक कटे हुए नारियल, ये हम जिंजर पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये पैकेट का भी आता है, मैं आपको दिखा दूंगी इसका जो पैकेट है। फिर इसमें हमें ऐड कर लेना है बारीक कटे हुए काजू, किशमिश, जितना हमने काजू लिया उतना किशमिश लिया, उतना ही हम लोगों ने इसमें बादाम लिया था। घी हमने ऐड कर दिया है, जो हम लोगों ने पोस्ता का दाना लिया था उसे भी ग्राइंड करके ऐड कर लिया। और ये है हमारा गोंद जिसको हम लोगों ने अब भी ग्राइंड किया था। और ये है मखाना बादाम फ्राइड किए हुए। ये बहुत ही हेल्दी होता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हेल्दी मटेरियल्स होते हैं। फिर इसमें हमें ऐड करना है गुड़, तो गुड़ हम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं इसमें। फिर हमें क्या करना है, गुड़ को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसे इतने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो कोई भी एरिया ड्राई ना रहे, हर जगह गुड़ लग जाना चाहिए, इस तरीके से हमें ऐड करना है। तो खूब अच्छी तरीके से इसे मलना है। और इसको मलते वक्त इसमें आप ऐड कर लो घी को, घी से क्या होगा सॉफ्टनेस बनी रहेगी और तो और ये अच्छी तरीके से ऐड भी हो जाएगा। तो यही है जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर जो कि पैक से आता है। तो मैंने लगभग यहाँ पर 1 पैकेट ऐड किया है, हाफ मैंने पहले किया था, हाफ मैं अभी कर रही हूँ। इसमें ऐड करने के लिए आप घी को गर्म ही करना, गर्म रखना, ऐसे ठंडा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चीनी, 250 ग्राम से थोड़ा कम ही है, लगभग 200 ग्राम, बिकॉज ये ऑलरेडी मीठा होता है गुड़ की वजह से, बस हल्की सी और मिठास के लिए हम लोगों ने इसमें ऐड किया है चीनी। फिर इससे हमें क्या करना है, घी ऐड करना है। तो घी मैं ऐड करूँगी और एक तरफ से मिक्स भी करती रहूँगी। इस तरीके से घी मैंने ऐड कर लिया है, घी गर्म था। इसको आप जितने अच्छी तरीके से मलोगे उतने अच्छे अच्छे सिठोरे बनके रेडी होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं मलोगे तो ये बंधता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि पहले बहुत अच्छे से इसे मिक्स करिए, खूब मलिए, तब बनाना स्टार्ट करिए। तो देख सकते हैं इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है और खूब मला है। आपको स्टार्टिंग में तो मलना ही है, बनाते बनाते हर स्टेप में आपको मलना पड़ेगा, इतना आपको इसे मिक्स करना अच्छी तरीके से। तो मैं अब दिखा दूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मलते हुए इसको थोड़ा थोड़ा लेना है, फिर इस तरीके से गोल गोल प्रेस करते हुए, कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स नीचे गिरेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, फिर उसे अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए गोल गोल बना लेना है। तो देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से बन गया है और ये अब फूटेगा नहीं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर फूट रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसे अच्छी तरीके से पहले मलिए, फिर वही चीज़ को लेकर के दोबारा प्रेस करते हुए बॉल तैयार कर ले, कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। अगर आपका तब भी फूट रहा है तो हल्का सा घी और ऐड कर ले और गुड़ और ऐड कर ले, पर इतने में आपका बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाता है, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फोड़ के भी दिखा देती हूँ एक, इस तरीके से देख सकते हैं अंदर से भी ड्राई फ्रूट्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है। और देख सकते हैं मैंने पूरा बना करके रेडी कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।